जी डॉक्टर साउंड सर। शाहीन भाई साहब, ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जवाब आ गया, ये भी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में जदीद जो है वो एक तरक्की हो गई है, पर ट्वीट के ऊपर ही जवाब आ गया, अभी लोगों के सवाल नहीं आए थे। आप मुझे बताइए क्या था, क्या ये, क्या ये मौसम शुरू हो गया है, क्या शुरू हो गया ये? देखिए लगता ये है कि जैसा कि अभी रिपोर्ट भी हो रहा था कि कोई मीटिंग हुई है और लोगों से कहा गया है कि जी अब आप जाके अटैक कर दें और शुरू करें लड़ाई, क्योंकि हमने जंग तो हार दी है। लगता ये है कि उन्होंने हार मान ली है, सरेंडर उन्होंने अब कर दिया, अब उन्होंने जंग लड़नी है। अब जंग किससे लड़नी है ये अभी वो डिटरमिन कर रहे हैं। पहले तो ये है कि ये फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है मीडिया है, फिर उसके बाद क्या फौज है, तो ये सब अब लड़ाई वाला सीन शुरू हो गया। हार जंग खत्म हो गई है या दूसरी जंग शुरू हो रही है? नहीं ये आप कहते हैं जबरदस्त जबरदस्त, आज उन्होंने मान लिया कि जी हाँ हम तो जबरदस्त हो गए, अब हम औरों को भी जबरदस्त करेंगे, क्या करेंगे? मगर ये तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त हो गए, ये तो फैक्चुअली गलत बात, वहां तो FIA वाले हैं। ये शाहीन साहब, ये जो इनसे पेपर्स लेते हैं, ये जो इनके दरवाजा, ये तो वो तो FIA के अधिकार है सारे, ये कुछ ये फैक्चुअली गड़बड़ नहीं कर गए, ये तो गलत बात कर गए सारी। इनको प्रोटोकॉल जो मिल रहा होता है, जो अंदर जाते हैं, जो कागजात, सारी की सारी बात ही गलत है। असल देखिए ये एक फैमिली का एक क्रिमिनल जो एक्ट फैमिली ने किए, उनके लिए पूरी पॉलिटिकल पार्टी, अब ये चार लोग आ गए, मुझे तो लगता है चारों के चारों कैंडिडेट है वजीर आजम बनने वाले, और अब आके दिखा रहे हैं कि जी मैं सबसे ज्यादा वफादार हूँ तो इसलिए मुझे बना दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि अब ये वजीर आजम तो जा रहे हैं या गए, और अब इन्होंने से किसी ने बनना है, अगर इन्होंने बनना है तो ये मतलब है कि इनका मामला अब बिल्कुल लगता है कि ये पार्टी ओवर, जैसा कि सुहेल वराइज साहब ने लिखा था, वो हालांकि इनके बड़े सपोर्टर है, मगर पार्टी ओवर को अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये पार्टी इज ओवर, अब हम दूसरी पार्टी करेंगे, अब कोई कॉकटेल पार्टी करेंगे या पता नहीं।